हेलो हाय। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं जो सीख रही हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज़ हमारे यहाँ इस नॉलेज का ना होना ही बिल्कुल ज़ीरो पे है ये। तो जब जो चीज़ ज़ीरो पे हो उसको बिलीव करना, उस पर यकीन रखना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन सच तो है ना। तो मैं तो एक्सपीरियंस से गुजर रही हूँ सारी सिचुएशन से, और जानती हूँ कि ये हकीकत है। एनीवेज, मैं पॉइंट पे आती हूँ। जिन लोगों को समझ आ रही होगी वो समझ जाएंगे, और जिन लोगों को अनहोनी लगेगी वो अनहोनी समझ के टाल देंगे। तो मैं बात कर रही थी कि योग की। योग में, चले हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो ये है कि हमारी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हेल्थी रहें, सेहतमंद रहें, और उन लोगों को कभी मेडिसिन ना खानी पड़े, और इंजेक्शंस ना लगे, कोई कैंसर ना हो, कोई ब्रेन हैमरेज ना हो, ट्यूमर ना हो। मेरा पर्पस ये है। इस पर्पस के लिए मैंने ये कुछ काम सीखा है, और बड़ा यूनिक है, बड़ा स्ट्रेंज है, बिकॉज अनबिलीवेबल है ये। तो जब मैंने सीख, मुझे 3 साल हो गए इसको सीखते हुए। तो जब मैं शुरू शुरू में थी तो मैं बिल्कुल इसी तरह थी कि भी ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ 0 पॉइंट पे है ये नॉलेज, बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा पहुँच रहा है। एक डॉक्टर सादिक है, सदीक है, ही इज अ वेरी गुड, वेरी गुड। वो कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोगों को स्ट्रेस कैसे कम करना है, हेल्थ को कैसे, रिलेशनशिप कैसे करनी है, हेल्थ आपकी जो है वो कैसे इस चीज़ों से दूर रह सकती है। एंड आई लाइक इट, ही इज रियली डूइंग वेरी गुड जॉब। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने जो कुछ शुरू में एक्सप्लेन करना था, लाइक ABCD करनी थी, तो ए से शुरू करते, फिर बी से शुरू करते, फिर सी से शुरू करते, तो इट्स टेक लॉन्ग टाइम। तो मैंने कुछ लोग ऐसे देखे वहाँ पे, मैं शायद उनका नाम थोड़ा रॉन्ग ले रही हूँ, और सादिक हैं ये, सदीक हैं ये, समथिंग इज लाइक दैट। ही इज अ वेरी फेमस गाय, ऑलवेज ही कम ऑन टीवी चैनल पे होते हैं वो। तो एक्सप्लेनिंग कि रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, और मियाँ बीवी की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, हमें उससे पहले, ये तो ऊपर की सतह की बात है, हमें उससे भी नीचे डीप और ग्राउंड में जाकर फाइंड आउट करना है कि अगर हमने अपने तौर अथवा कोई अपनी नेचर को बिल्ट करना है तो वो किस तरह किया जा सकता है। तो वो है आपके ब्रेथ। ब्रेथ से आप सारे काम ले सकते हैं। ब्रेथ है तो आप हैं, ब्रेथ नहीं है, सांस नहीं है तो आप नहीं है। तो जब हमारी सांसें हमारी वहां तक नहीं पहुंचती, नाफ तक नहीं जाती, तो हम लोग काफी फ्रस्ट्रेशन के, और बीमारियों के, और अस्थमा के, और फिर और डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती हैं, उनमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। तो हमें बेसिक जो फाउंडेशन है उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि चलो अब जो नस्ल हमारी जो चली गई है, जिनकी डिवोर्सेज हो चुकी हैं, जिनके रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, जो इंटरनेट पे लगे हुए हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और फिर माँ बाप की बेइज्जती, दिस दैट, यू नो, वो तो अब एक ऐसा पैराग्राफ है कि जो हम वापस पलट के ला नहीं सकते। हाँ, कुछ ठीक किया जा सकता है क्योंकि ये रियलिटी है। लेकिन अगर हम अपनी नई नस्ल को शुरू से सिखाना शुरू करते हैं कि किस तरह से हमने लाइफ मैनेज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज योर हेल्थ। हेल्थ इज मैनेज, तो आपका ब्रेन इज मैनेज। ब्रेन मैनेज होगा तो आपकी हर चीज जो है अंडर कंट्रोल होगी। वी आर गोइंग टू बी इन द मिडल, ना हमें हायर जाना है ना हमें लोअर जाना है, वी वी शुड स्टे इन मिडल। तो जब हम मिडल में होते हैं तो फिर हम बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, और कायनाती इंसान बन सकते हैं। अब ये कायनाती इंसान तो क्या होता है ये तो पता नहीं है,
लेकिन मैं जब से जाना है फिर मुझे शौक हुआ कि मैं शौक क्या दिल चाहा कि जो जिन जो इग्नोरेंट लोग हैं उन लोगों तक नॉलेज जाए और वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और पॉसिबल है कि मेरा ये जो बातें हैं आप थोड़ी देर के लिए सुने और फिर उसके बाद समझना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अनुलोम विलोम है, जो कि आपकी जो पीछे की जो नाड़ी है, मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बताया था लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो करने का मुझे शौक नहीं है, बट मेरे पास अब कोई चारा नहीं है एक्सप्लेन करने के बजाय मैं करूँ। मुझे दोस्तों ने भी कहा कि तुम इतना अच्छा सबको बता सकती हो, लोगों को मैंने ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जिस जो सदियों पुरानी जो निकल नहीं सकती बीमारी, लाइक ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैंने वो बच्चा था उसको मैंने बताया और उस बच्चे का जो था ब्लड प्रेशर सिरे से मतलब रूट से ख़त्म हो गया। मेरे पास कुछ ऐसे फार्मूले, मेरे पास क्या है मतलब है नॉलेज इस दुनिया में तो जो मैंने लर्न किया है, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाइयों को ज़रूर मिले अपनी कंट्री में। तो मैंने उसको बताया था कि कपाल भाती करे, तो मैं कपाल भाती आपको करके किसी वक्त बताऊंगी। वो आधा सांस अंदर और आधा सांस बाहर, और पेट यहाँ जो आपका जो स्टमक है इसको आपने पंप करना होता है, ये एक कपाल भाती कहलाती है। लाइक यू जैसे हवा भरते हैं ना साइकिल के टायर में, तो आप उसको भर रहे होते हैं तो अजीब सा वो टायर यूं 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 यूं, लेकिन वो तो फुल फुल जाता है ना, लेकिन ये है कि ये आपने अपनी नाभि को उसके ऊपर पंचिंग कर रहे हैं। जब आप उसको पंच करते हैं तो वो उसका जो चक्रा है वो ओपन होता है, जब वो ओपन होता है तो आपकी बहुत सारी पेट की बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बंदे को एटलीस्ट कपाल भाती, एटलीस्ट जैसे उसे ब्लड प्रेशर तो 3 महीने तक करे, मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रूट से ख़त्म हो जाएगा। खाली ब्लड प्रेशर ही नहीं ख़त्म होगा, अगर आपको शुगर है, अगर आपको है कोई और अस्थमा है, ये है वो, इट कना गो ट्रस्ट मी, इट इज़ लाइक दैट, वेरी ब्यूटिफुल, आप करें। फिर इसके अलावा और बहुत सारी हैं जो कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड हैं, 3 वायर्स होती हैं रीढ़ की हड्डी में, एक तो ये वायर है और एक ये वायर है। अब ये जो सेंटर वाली है इसको हमने इसको दबा के इसको बंद कर इसको खोल, उसको बंद कर उसको खोल, सांस भर अंदर ले कर लिया, इसको पकड़ लिया, इधर से छोड़ दिया, इससे क्या होता है कि ये दोनों वायरें जो हैं आपकी सेंटर वाली वायर उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं और इसको इंगला और पीड़ा कहते हैं जो इर्द गिर्द, लाइक चलो मैं आपको आपकी लैंग्वेज में आसान कर देती हूँ, इसको चांद कह लें और इसको सूरज कह लें, और जो सेंटर की आपकी जो वेन है उसको आप आसमान कह लें। ठीक है, हमने चांद और सूरज से आसमान को खोलना है, जब वो खुल जाता है तो फिर आप धीरे धीरे पूरे जिस्म की जो आपकी जो नाड़ियां हैं वो खुल जाती हैं। इसके अलावा और भी मेरे पास एक्सरसाइजेस हैं जो आपका मतलब सिरे से पूरे जिस्म मतलब 20 साल पुराना कमर का दर्द वो मेरी 3-4 प्रैक्टिस से दिखाने से सिखाने से उनका दर्द राइट में ख़त्म हुआ। प्लस फिर मैंने फिर करवाए और उसके बाद फिर मैंने कहा कि एटलीस्ट उसको 3 मंथ्स डेली 2 टाइम्स कर लें, और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। उसको क्या होता है कि ये जो पंच होते हैं उंगलियों के, इसको यहाँ पे आप मारते हैं, ना बाजू पे मारते हैं ना सीने पे मारते हैं, यहाँ पे होता है ये, यहाँ और यहाँ। ठीक है, वो मैं आपको वो भी एक अलग से थोड़ा सा बना के पूरा उसके लफ्ज़ों के साथ, इसके साथ थोड़ा सा सिंगिंग भी करनी पड़ती है, जिससे जब आप आवाज़ निकाल रहे होते हैं तो पंच कर रहे होते हैं तो आपकी वेंस खुलती चली जाती हैं, क्योंकि हम लोग साउंड से बने हैं। आप कहेंगे ये साउंड क्या है, तो कुछ लोगों को पता होगा, ऑफ कोर्स नॉलेज होगा उन लोगों को कि मैं यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। तो
हम गाएंगे आया यो जाओ, आया यो जाओ, आया यो जाओ, आया यो जाओ। अब इससे क्या हुआ कि इस तरफ की सारी वेन्स आपके हाथों की खुल गई हैं, ये सारे टंग 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 यहाँ आवाज आती है अच्छे से, आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आपकी कमर में क्या है, हर जगह जैसे दर्द हो रहा है, तो मैं जरा इसको ब्रेक कर। ओके सॉरी अबाउट माय फोन, जाहिर सी बात है फोन तो उठाना पड़ता है। कुछ फ्रेंड्स हैं, दे वांटेड टू टेक अ लेक्चर फ्रॉम मी, तो जस्ट नाउ आई टोल्ड देम टू ओके राइट नाउ आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग। तो जब मैं बाहर बहुत सारी बर्फ है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तो दे सेड दे गोना कम डे आफ्टर टुमारो और टुमारो व्हाटएवर। सो वी वाज टॉकिंग अबाउट ब्रेथ, ब्रेथ के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। और मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज़ें करें, और ये बेसिक फाउंडेशन है हमारी बॉडी की, और जो हमारी बॉडी को नीड है उसको ज़रूर करें। क्योंकि हम लाख डॉक्टरों के पास चले जाएं, लाख स्पिरिचुअल लोगों से गोला गंडा बनवा लें, जब तक आप प्रैक्टिकली खुद अपने आप के साथ डील नहीं करेंगे, तब तक आप हम जो है वो सफर करते रहेंगे। एंड सांसों से सिर्फ आप अपने जिस्म को ही नहीं सेहतमंद रखते, आपका दिमाग, आपका दिल कुशादा और सोचें बेनतहा खूबसूरत और यूनिक, और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आवाज आनी शुरू हो जाती है, और मतलब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं। कुदरत ने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया है, और हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया है वो नॉलेज से हट कर। और इसमें बहुत बड़ा प्रोपोगंडा था आम आदमी को इस नॉलेज से दूर रखने का, और वो भी मैं आपको बताऊंगी। हालांकि मेरे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं बने हुए, और आई आई रियली फील हिम, ही इज़ माई ब्रदर। तो मैंने कहा भी था कि मैं उनका नाम ले दूंगी, जिस सदियों से उन लोगों ने इस चीज़ पे काबिज हैं और दुनिया पे कब्जा भी कर रखा है, सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने ब्रेथ से सारा काम लेते हैं और सारा नॉलेज जो है उसकी थ्रू करते हैं। तो हमें हमें बम बनाने के बजाय ना अपने दिमाग बनाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग, एटली हमें कब्जा नहीं करना, हमें किसी पर राज नहीं करना, हम लोगों को खुश रहना है, हम लोगों को अच्छे से लाइफ गुजारना है, अच्छी सी लाइफ गुजार कर फिर चले जाना है, इस जिस्म से निकल कर बाहर की तरफ चले जाना है। तो वो जो गुजारना, जो लाइफ गुजारनी है हमें, वो अच्छी गुजारनी है। अच्छी गुजारेंगे तो हम अपने कर्म बनाएंगे, कर्म बनाएंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, और कर्म बनाएंगे तो हमें दोजख बनेगी मिलेगी। तो अब हमने दोजख तो बहुत सारी कमा ली है, अच्छे से बहुत मजे से कमा लिया। हम लोग बड़ी बुराइयां करते हैं लोगों की। आपको बहुत पॉइंट की बात, बड़ी नाजुक सी बात है, मेरी बातें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं क्योंकि जाहिर है मुझे एक्सप्लेन करना है। तो हम जब किसी की बुराई कर रहे होते हैं ना, हम जब एक लम्हे के लिए सोचते हैं उस बंदे के लिए, यार उसने कितना गंदा स्वेटर पहना हुआ था, यार वो कितनी अगली लग रही थी, तो जब हम ऐसा सिर्फ सोचते ही है ना, तो हमारा कर्म बन जाता है। ये बुराई है, क्योंकि हर किताब में, हर रिलीजन में हमें सिखाया गया कि आप पीठ पीछे बुराई ना करो, लेकिन उसकी साइंटिफिक रीजन किसी ने भी नहीं दी, इसीलिए लोग बुराई करते हैं। मैं आपको साइंटिफिक रीजन देती हूँ कि जब जिस वक्त आप अपने दिमाग को नेगेटिविटी की तरफ खींचेंगे और सोचेंगे, तो आपका कर्म बन जाएगा और वो आपका डीएनए में चला जाएगा, वो याददाश्त जो है आपकी डीएनए में जाएगी और आपको रिपीट करेगी, और वही जो आपने किसी के लिए बोला है बोल दिया ना, क्योंकि साउंड चला गया, और वो साउंड उसके लिए नहीं गया क्योंकि उसने तो सुना नहीं, वो तो बेफिक्र होकर सो रहा है बंदा। यू सेंड दिस साउंड, तो वो साउंड आपको ही अटैक करेगा। तो ये साइंटिफिक रीजन है इसका, कि अगर आपने किसी की पीठ पीछे बुराई करी, सुनने वाला अगर हंसता है उस पर, इंजॉय करता है उसको, हाँ वाकई सही बात है, तो ही और शी हुएवर शेयर किया, कर्म बनाया। तो इसलिए कहते हैं कि जैसों में रहोगे वैसे हो जाओगे, तो इसलिए बेहतर है
कि इससे पहले कि वैसे हो जाओ तो अपनी तरबियत कर ली जाए, अपने आप को ठीक कर लिया जाए। और वो एक चीज़ है सांस, और अगर सांस के साथ आपने दोस्ती कर ली तो फिर खुदा से दोस्ती कर ली। सांस है तो आप खुदा की पूजा पाठ दुआ नमाज जो भी आप करते हैं अलग अलग तरीके से, वो फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज सांस नहीं तो बॉडी ने तो उठ के कुछ भी नहीं करना, बॉडी तो गई। आपकी सांस जब तक है, आपका कैरेक्टर उस वक्त तक है। कैरेक्टर है तो खुदा है, कैरेक्टर नहीं ना तो खुदा है ना आप हैं, कुछ भी नहीं है। तो मेक श्योर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये बात समझ आ जाए, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि ये बात दिल में उतरे, समझ आए, और आप योग करें, योग की एक्सरसाइज करें। मैं यहाँ पे थोड़ा ख़त्म करती हूँ क्योंकि ये YouTube पे भी जाना है तो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं इसका पार्ट जो है दूसरा बना के उसको डिस्कशन करके आपको भेजती हूँ अभी थोड़ी देर में। थैंक यू वेरी मच, एंड बी अटेंशन एंड टेक केयर फॉर योर ब्रेथ।